सबसे पहले शादी के फायदे बता दूं भाई, मैं तो बोलने वाला था कि यहाँ आओ, यहाँ तो आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है। ओयो भी है यहाँ पे। सवाल है, मुझे किसने चला रखा था? खाफरा फिल्म स्टूडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है दोस्तों आपका अपने अगले व्लॉग में। सबसे पहले शादी के फायदे बता दूं, हाथ धोने के बाद आपको सबसे बढ़िया खाना मिलता है। ये मेरी फेवरेट पनीर की सब्जी, रोटी, सलाद अभी आ रहा है और रायता। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई शादी का व्लॉग कब डालोगे। शादी का यार देखो, मैंने भी ऐसे व्लॉग बनाया नहीं था, बट हाँ तो मैंने वीडियोग्राफर को बोला था कि जो वीडियोग्राफर मेरा दोस्त है दीपक खापरा, तो उसने मेरी पूरी शादी की वीडियो शूट करी है, तो उसने खुद से ही कुछ व्लॉग टाइप का बना रखा है पाँचों दिन का, तो वो मैं डालूंगा आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके लिए मैं अभी खाना वाना खा के मैं निकला हूँ दिल्ली के लिए। दो तीन चीज़ें करनी है जो सारी आप मेरे साथ देख लेना, क्या क्या करना है, अपनी वीडियो देखनी कैसे क्या व्लॉग बनेगा, और उसके बाद मैं जॉब करता जाऊँगा, आप सब देखते जाना। तो बने रहिए मेरे साथ, पहले खाना टेस्ट करके बता दूँगी खाना कैसा बना है मेरे दिल। बढ़िया खाना बना है। लो भाई अगला दिन एक और आ गई। पहले ना आज तो पता ही देवा हमें भाई, मैं तो बोलने वाला था कि यहाँ आओ, यहाँ तो आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है। ओयो भी है यहाँ पे भाई, ओयो में रहते हो आप, बताया नहीं भाई? ओयो अपना पब्लिक को बता रहा था कि आना तो आओ, आना हो तो बता दियो। ना ना भाई साहब, यहाँ आओ, थोड़ा समझ, थोड़ा संभल के आइयो, कैमरे हर बेड पे हो सकते। बहुत बढ़िया भाई, बट अरे म्यूजिक कैसे बंद हो गया? वो स्पा वाला म्यूजिक वो किसने लगा रखा था? सवाल है, म्यूजिक किसने चला रखा था? खाफरा फिल्म स्टूडियो। गूगल करो, आ जाओ मस्त भाई खाफरा से, अगर किसी को शूट कराना है। किसी ने कमेंट किया था कि 5 लाख रुपए दिया खाफरा को, तो यहाँ पर्सनली आके मिल लो और जो चाहिए ले जाओ, जिसको जो फोटो चाहिए ले जाओ भाई, खाफरा से ले जाओ सब कुछ। अच्छा माना मेरी मांगी ओढ़ा पर ले। मेरा नहीं लग रहा कुछ जी, मैं पहले आप सबको एक बार स्टूडियो टूर करा दूं भाई का। ओ भैंस किया भाई, नाइस भाई, ये तो बहुत बड़ा और बढ़िया स्पेस हो गया। इतना बड़ा स्पेस तो मतलब मैंने जितने शूट किए हैं ना बहुत कम देखे इतने बड़े स्पेस तो। अरे बढ़िया भाई, ये तो भाई लगा रहे, ये तो तेरा बुक ही रहेगा मोस्टली। ये रेडी हो गया पूरा इसमें कुछ करना है अभी? चलो भाई बढ़िया, ये तो हमारी। अच्छा अच्छा भाई, ये तो जेन्युइन हमारे बुक का था स्टूडियो का मैन हिस्सा। और ये भाई, भाई का ऑफिस है, है। पंखा बढ़िया लगा रखा है। और इसके अंदर क्या भाई? एडिटिंग, पूरा एडिटिंग। अच्छा इसकी एडिटिंग और दिखा दो भाई, कहाँ होती है एडिटिंग? राजा में है, एक दिन से कहाँ घुस गया मैं। कैसे भाई? कैसे भैया, क्या मेरा खुला है क्या? नहीं अभी किसी और का चल। ओ तेरी भाई, मैं तो खुश हो गया था, पर देखा किसी और का है। दोबारा करते दोबारा आ जाओ। चलो भाई बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और इसमें ना भी थोड़ी लाइटिंग लगनी है, जो मेन स्टूडियो है ये लगा लो, हफ्ते दो हफ्ते में रेडी हो जाएगी सारी चीज़ें। उसको भी शूट करनी है, खाफरा फिल्म डालो और मेरी तरह गूगल मैप से सीधा यहाँ आ जाओ भाई। मुझे तो भाई ने सुबह बोला कि मैं भाई लोकेशन भेज दिया, खाफरा फिल्म लिख ले और जाना मगा। अच्छा गलत आया भाई, नहीं ऑर्डर लग गया मैंने जब ओयो देखे ना, मैं यार खाफरा फिल्म से खत्म होगी। अरे वो बानिया की धरती है, इसमें पर लिखा ना। अच्छा अच्छा, ओहो मेरी फोटो भी लगी हुई है भाई, मैंने आज तक की प्रमोशन नहीं किया इसका, आज पहली बार बता रहा हूँ। द टेक्स्ट करके है भाई, पर एनएक्स लेयर तो बंद हो गया। एनएक्स लेयर के सब फाइनेंसर सब भाग गए, देखा नहीं आपने? अच्छा यूट्यूब पे भी है। भाई द टेक्स्ट यूट्यूब पे भी है भाई, जाके देखो। ये तू मेरी गाना था, इसमें रीटा है और ये अपना शिवा भाई है। तो ये भाई ये गाना ये एक नया न्यू भाई, मेरा भी खुद का प्रोजेक्ट है, आप मैंने देख सको। जो लोग क्या, मैं कुछ नहीं करता, मैंने यो काम भी कर रखा है, यो खबर अकेला कर रखा है। हाँ दोस्तों हो गई है बात, थोड़ी सी दिखते हैं, थोड़ी सी परेशानी है वीडियो आने में, क्योंकि पहले कुछ ऐसा प्लान नहीं था, पर भाई ने बहुत मेहनत कर रखा है, आ जाएगी वीडियो जल्दी ही, ठीक है? तो भाई थैंक यू, आ जाएगी भाई, भाई आ जाओ, क्योंकि मेरी सब कुछ फ्री है, पूरे करा दो भाई के जो मेरे ब्याह में लग गए हैं। इसके गाड़ी बहुत गंदी भाई की, लो भाई बेचारी भी रेडी होगी ना। दो भाई बहुत गंदी हो रही थी, थोड़ी गंदी थी। ढोल 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 क्या होता भाई? ये जो टायर का जो गोलाई दे रखे। अच्छा अच्छा, गंदे हो रहे थे, मट्टी जमी हुई थी। अच्छा अच्छा, अब होगी चमक गई एकदम? अब तो ओके है भैया, अब तो रानी बना रहे भाई, देख लियो कि ऐसा ना हो बेइज्जती हो बाद में। अरे ना ना भैया, गाड़ी पहुंच के देंगे आपको पूरी। ओके भाई, हाँ जी अपनी रानी बाहर नहा धो के एकदम रेडी होने वाली है। बाहर यार बहुत ज्यादा धूप थी तो मैं अंदर आगे बैठ गया। मैं सोच रहा हूँ यार, जो मैं ये ट्रेवल स्टार्ट कर रहा हूँ दिल्ली टू मुंबई,
ये कैसे हो पाएगा। बट कोई नहीं यार, मुझे बाइक लेके जानी है मुंबई। मुंबई बाइक पहुंचाने का रीजन ये है कि अभी अपना मोहित जो है हमारे, एक तो लोग मेरे वजह से कमेंट कर रहे हैं कि भाई मोहित जी नहीं रहे क्या, अगर नहीं भाई जिंदा है तो। हाँ, मुद्दे बातें हैं कि मोहित जी हैं वहाँ पे मुंबई ले रहे वर्कशॉप, तो वहाँ पे अब उसका आना जाना बहुत ज्यादा रहेगा और बाइक यहाँ पे कोई चलाता नहीं, तो पॉइंट ही नहीं बनता भाई यहाँ रहने का, तो वहाँ पे वो बाइक यूज करेगा। तो मैंने सोचा अपना व्लॉग बना लेंगे यार दिल्ली टू मुंबई का, बट मैं नॉट कन्फर्म, बट आई विल ट्राई कि मैं स्टार्ट करूँ। मेरा पता नहीं मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ गुड़गांव जाके मैं फिर रह जाऊँ कि यार नहीं, बट कोशिश करते हैं। अगर गुड़गांव पहुंचे तो आई विल ट्राई, और नहीं पहुंचे तो दोस्तों जल्दी से अपनी गाड़ी जितनी देर में अपनी रानी रानो के रेडी होगी, रेडी होते ही पहले जाना मोहित के घर, वहां से उठानी है अपना बाइक और उसके बाद फिर जाऊंगा पहले हर्षु घर, नहीं पहले हर्षु घर, वहां से गणेश जी को उठाऊंगा, गणेश जी आए हुए हैं, और फिर अपने ऑफिस, और फिर बताता हूँ कि मैं जा पाऊंगा या नहीं। तो दोस्तों बने रहिए अमिताभ मलिक के साथ, आगे की जर्नी बहुत लंबी है। बाल कहाँ गए? दुकान पे। किसने ले लिए? आपको पार्सल कर दूँ मामा के पास बाइक में? क्यों डर क्यों लगा? मामा आया था वहाँ पे, वो आदमी हर दिन को है मैं गाड़ी में तेल गलवा के जाऊँ, हर चीज में तेल गलवाऊ। यो तेल है, घर तवार लकड़ी है और इसका तेल खत्म, और थार की टंकी फुल करा खड़ी करता आया हूँ, और घर से थोड़ी बार आया हूँ भाई साहब, हाथ काले हो लिए और आला टाइट वाली गर्मी में इसका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करते हैं, तो गर्म हुआ फैक्ट है ना, इसका इंजन गर्म हो रहा है ना, अर्थगति दूर तो बाप मारा है ना, एक किलोमीटर चाल खाइए बस, इतनी चलिए घर से यहाँ तक, बस इतना गर्म हो गया भाई। राम जाने ये बाइक कैसे चलाएगा लड़का, मैं अभी उसके घर से झोला कमा के हालत टाइट है भाई। आओ आओ आओ, क्या हाल है? आओ गणेश जी, आओ, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। आ जा आ जा आ जा। वो कहाँ गई BMW? कहाँ गई? पूछा नहीं कहाँ गई। तो फाइनली गणेश जी पार पता रहे हैं, आओ हमारे देश कवि है गणेश जी। नया फोन वो ले लिया है, ये मेरे मुंबई जाने से पहले दूसरा स्टॉप है, तो ऐसे आया हुआ है सबसे पहले, ये हालत है अभी मुंबई जाना है। मुंबई किसको जाना है? बाइक पे जाना ना। क्यों? पता नहीं भाई, क्या फूल मची यार, मैं जेन्युइन हालत टाइट होगी, तो ये हालत यहीं तक है, अभी तो मुंबई जाना है अभी। हाँ जी दोस्तों, आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची बॉम्बे वाले सफ़र को पूरा करने की, भाई भी नहा धो के जो है राहत मिली है, और कभी इस बेड पे हम तीनों यहाँ करते, हम तीनों भाई, मैं हर्षु और मोहित, अभी वो दोनों मुंबई हैं और मैं यहाँ, तो खैर याद तो आती है, बट कोई नहीं जल्दी ही मिलता हूँ उनसे जाके, तो कल करते हैं शुरुआत ही सफ़र की। और दोस्तों आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं कुछ नहीं कह रहा यार, जो आपका मन करे वो करे, तो बने रहिए बस अमिताभ मलिक के साथ, और तो दोस्तों बस आप बने रहिए मेरे साथ, दिल्ली से बॉम्बे इस सफ़र को जारी रखते हैं, तो मिलते हैं कल, जय हिंद दोस्तों।